पंचायत निकाय चुनाव के संपन्न होते ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विकास की रफ्तार तेज हो गई है। दरअसल राज्य शासन ने विकास और अधोसंरचना निर्माण के लिए कार्य योजना पर तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित किया जाएगा। दरअसल 1 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इंदौर को 2300 करोड़ रुपए विकास कार्यों की सौगात देंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री 1 अगस्त को इंदौर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत सभी क्षेत्रों में विभिन्न मार्ग और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निर्माण कार्य का आयोजन कुछ महीने पहले होना निर्धारित किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय चुनाव को देखते हुए आयोजन को टाल दिया गया था। 2300 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस विकास कार्य इंदौर और खंडवा के लिए 4-लेन सड़क का कार्य किया जाएगा। तेजाजी नगर से बलवाड़ा के बीच सड़क की स्थिति सुधार और मरम्मत कार्य के अलावा वहां नई सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। दरअसल इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आदि का निर्माण किया जाना है। इसके लिए DPR तैयार की जा रही है। इसके अलावा राउत सर्कल पर 4-लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी 1 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे। वहीं इसकी लागत 43.62 करोड़ रुपए रखी गई है। साथ ही तेजाजी नगर से बलवाड़ा के मौजूद सड़क के रखरखाव और निर्माण कार्य के लिए 31.54 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंदौर बैतूल मार्ग पर इंदौर से हरदा के लिए 4-लेन सड़क तैयार किया जाएगा। इसके लिए 1 अगस्त को केंद्रीय मंत्री द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। वहीं इसकी लागत 1011.29 करोड़ रुपए रखी गई है। इंदौर खंडवा रोड पर तेजाजी नगर से बलवाड़ा के लिए 4-लेन सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए लागत 1162.80 करोड़ रुपए रखी गई है। वहीं इंदौर बाईपास पर राव से DPS स्कूल तक सर्विस रोड के निर्माण की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए लागत 42.58 करोड़ रुपए तय की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।